अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और मैं वैसे हूँ घर पे आज़मगढ़ में। तो सर सैयद डे के बाद अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज की ब्लॉग कोई रेसिपी ब्लॉग नहीं होगी क्योंकि मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं आप लोग को एक रेसिपी बताऊँ। तो खैर, हम बनाने वाले थे डिनर और उसमें हम बना रहे बिरयानी, मैं और अम्मी मिलकर साथ में साथ में इसलिए बना रहे क्योंकि मुझे जो है सच में बिरयानी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले बना सकूं। मुझे पता ही क्यों सारी चीज़ आसान लगती है पर बिरयानी टफ लगती है, इसलिए ये हम बना रहे हैं साथ में, जिसमें ज़्यादातर काम ऑब्वियसली अम्मी कर रही। मैं सीख रही हूँ, देख रही हूँ कैसे कैसे होता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बिरयानी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं ये अकेले बना सकती हूँ। तो इसलिए हम बना रहे साथ में और साथ में बात कर रहे हैं क्योंकि जब इंसान हॉस्टल से घर आता है, माँ बेटी में बहुत बात होती है, इतनी होती है कि पूछो मत, हमारी बात नहीं ख़त्म होती। तो वही हम चिट चैट भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं रात का। तो अब ये तैयार हो गया, अब हम इसको रख देंगे, ये अपना काम करेगा, धीरे धीरे पकता रहेगा। और दूसरी तरफ जब तक ये बनता है हम दूसरे काम करेंगे, तो बनाएंगे रायता और सैलेड। सैलेड तो बन जाएगी, रायता बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है हमेशा, और ये वो वाहिद चीज़ है जिस पे हरदम लड़ाई होती है मेरे और मेरे भाइयों के बीच में, क्योंकि ये हमें सबको बहुत पसंद है। तो ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, बस सिंपल सा रहता है, बस दही रहती है, खीरा और टमाटर और चुकंदर। चुकंदर इसलिए ऐड कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा पिंकिश कलर आ जाता है, तो ये और अट्रैक्टिव और मज़ेदार लगता है। बाकी वैसे रायता लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, उसमें कुछ मसाले डालते हैं, पता नहीं क्या क्या। जब मैं सीख रही थी तो मुझे बताया गया था कि इसमें ये डाला जाता है, लेकिन वो डाल के देखा लेकिन मुझे हम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हमने इसको सिंपल ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं मिलाते, बस सिंपली दही में ये सारी चीज़ें ऐड करके मिलाकर सर्व कर देते हैं। मतलब ये हमारा तरीका है, सबका तो हर जगह अलग अलग होता है ना। तो अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे क्योंकि हमारा खाना तैयार हो चुका है, और ढेर सारा शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला को कि हम सही सलामत है और हमें सब कुछ अता किया है उन्होंने। और साथ में हम दुआ करेंगे, वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमारे प्लस टाइम ब्रदर और सिस्टर, उनके लिए हम दुआ करेंगे। हम दो ही चीज़ करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे और बॉयकॉट करेंगे इसराइल प्रोडक्ट्स को। सो दैट्स ऑल अबाउट माई ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।